जाओ यहाँ से, निकल जाओ इस घर से। दोबारा इस घर में मत आना, समझी तुम? निकिता, तुम दूर हो जाओ, मैं देखता हूँ उसे। क्या देख लेंगे आप? आपने तो मेरा गुस्सा भी देखा नहीं करना चाहा। देखिए, मैं आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ, इसलिए कोई खून खराबा नहीं करना चाहता। और तुम भी कान खोल कर सुन लो निकिता, मेरी होने वाली बीवी फिल्मों में काम नहीं करेगी। समीर! करना चाहो, मैं बहुत ही जिद्दी किस्म का इंसान, आपकी बेटी की डोली यहां से जल्दी लेकर जाऊंगा और इसे समझा लीजिए कि ये फिल्मों में काम नहीं करेगी। बकवास मत करो। अगर मैंने पुलिस में तुम्हारी कंप्लेंट कर दी तो? पुलिस? पुलिस क्या कर लेगी मेरा? हाँ, मैं आपका बहुत कुछ बिगाड़ सकता हूं, और इसे सिर्फ मेरी धमकी मत समझिएगा। एक अपराधी एक फौजी को धमकी दे रहा है और मैं खामोश खड़ा सुनता रहा हूं। पापा प्लीज, ये बहुत ही खतरनाक किस्म का आदमी है। वो खतरनाक है तो मैं डर जाऊं? इतने साल देश की सेवा की है फौज में रहकर, तो यही दिन देखने के लिए मुझे जाना ही होगा। कहां कहां जा रहा है? सबसे पहले जाऊंगा मैं पुलिस स्टेशन इसकी कंप्लेंट करने, और उसके बाद जाऊंगा गायत्री देवी के पास कि देखिए आपका बेटा कैसे कैसे गुल के ला रहा है। बस बस कीजिए बहादुरी का भाषण। अगर सचमुच वो गोली चल जाती तो क्या होता? अगर आपको कुछ हो जाता तो क्या होता? हाँ, कुछ हुआ तो नहीं ना? कुछ हुआ तो नहीं, फिर क्यों मातम मना रही? पापा, मैंने सुना है आप तो जानते हैं कि मैं बेकसूर हूं। मेरे जानने न जानने से क्या हो सकता है? तुम्हारे नाम के अरेस्ट वारंट इशू हो चुके हैं, और ये तुम जानते ही हो कि तुम्हारे सर पर यादव की मर्डर का इल्जाम, और ये भी तुम जानते हो कि अब तक मैं तुम्हारी गिरफ्तारी किसी ना किसी तरह अवॉइड करता रहा, लेकिन कभी कभी हम पर भी ऊपर से इतना प्रेशर हो जाता है कि कुछ काम हमें ना चाहते हुए भी करने पड़ते हैं। यानी कि मेरी गिरफ्तारी? वेल मिस्टर राजीव, आप इस गिरफ्तारी से बचना चाहते हैं तो कोई सबूत, कोई ठोस सबूत पेश कीजिए हमारे सामने, और इस काम के लिए मैं तुम्हें हफ्ते 10 दिन से ज्यादा वक्त नहीं दे सकता। मिस्टर शिनाई, एक बेगुनाह अपनी बेगुनाही का सबूत कैसे पेश कर सकता है? गुनहगार के खिलाफ सबूत तो पेश कर सकता है अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। आपका मतलब है कि? हाँ, समीर के खिलाफ सबूत, तुम्हें समीर के खिलाफ सबूत देने होंगे हमें, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? क्या सोच रहे हैं? हाँ, एक नहीं कितनी बातें दिमाग में इकट्ठी हो रही हैं। अच्छी खासी चल रही थी जिंदगी, कि अचानक जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया और रास्ते में कितनी परेशानियां खड़ी हो गई। लेकिन परेशान होकर परेशानियों को सुलझाया तो नहीं जा सकता ना? जानता हूं, मगर कुछ हल तो ढूंढना ही होगा। शीला, मैं सोच रहा हूं कि हम ये शहर ही छोड़ देते हैं, सारी परेशानियों को इसी शहर में छोड़कर किसी नई जगह जाकर नए सिरे से जिंदगी शुरू करते हैं। लोग तो अपनी औलाद के लिए कितनी कुर्बानियां देते हैं, तो हम भी। लेकिन इंदौर छोड़ दे? अरे, ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, मन तो मेरा भी नहीं करता। ये मत समझो कि इंदौर से मुझे लगाव नहीं है, कितने ही बरस रहा हूं मैं यहां, यहां की गलियों तक से प्यार है, लेकिन अब मन की शांति नहीं मिलती यहां। कहीं ये सब आप
समीर के वजह से तो नहीं कह रहा ना? नहीं नहीं, समीर की वजह से ये बात नहीं कह रहा हूं मैं निकिता की वजह से ये शहर छोड़ने की बात कर रहा हूं। देखो शीला, मैं नहीं चाहता कि समीर की वजह से निकिता को कोई भी नुकसान उठाना पड़े। समीर बड़ी अपराधी प्रकृति का गर्म दिमाग का आदमी है। मैं नहीं चाहता कि उसकी वजह से निकिता पर कोई भी परेशानी आए। मैं चाहता हूं निकिता निश्चिंत होकर अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत फिर से करें। देखिए, अगर तकदीर साथ ना दे तो समीर से भी खराब लोग हमें मिल सकते हैं। कोई शहर खराब है अच्छा नहीं होता। मैं तो कहती हूँ किस्मत अच्छी होनी चाहिए बस। और ये आप हारी हारी सी बातें क्यों कर रहे हैं? आप तो डरने वाले लोगों में से नहीं थे, लेकिन आज मुझे आपके दिल की घबराहट साफ दिखाई दे रही है। शीला, तुम इसे घबराहट कह लो या एक बेटी के लिए उसके बाप की फिक्र, सच बात तो यह है कि मैं निकिता को बहुत प्यार करता हूं। मैं अपने परिवार को बहुत प्यार करता हूं और मैं अपने परिवार को, निकिता को किसी परेशानी में नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। चिनॉय ने मुझे 10 दिन की मोहलत दी है अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। मेरे लिए तो हर दिन का पल भारी पड़ रहा है। मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए समीर के गुनाहों पर से पर्दाफाश करना पड़ेगा, मगर मैं समीर तक पहुंचूंगा कैसे? वो तो किसी को भी ऑफिस के ज्यादा करीब आने ही नहीं देता है। सिर्फ सोनिया ही है जो समीर का ऑफिस चलाती है। हाँ सोनिया, सोनिया समीर के करीब रहती है, लेकिन उसने हमेशा मेरे करीब आना चाहा। सोनिया तो मेरे लिए कुछ भी कर सकती है। नहीं नहीं, मैं सोनिया का फायदा नहीं उठा सकता, ये गलत होगा। मैं भी क्या सोचने लगा, मुझे तो कोई और रास्ता निकालना होगा। मैं सोनिया की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकता, मगर मुझे कुछ तो करना होगा, कुछ तो सोचना होगा। अगर मैंने पुलिस में तुम्हारी कंप्लेन कर दी तो? कर्नल ने मेरा अपमान किया है, मेरे साथ निकिता की शादी के लिए इनकार कर दिया। क्या कमी है मुझे? एक इशारा करूं तो हजार लड़कियां मेरे कदमों में घुसने के लिए तैयार हैं। लेकिन कर्नल चाहे जो कुछ भी कहे, मुझे तो निकिता चाहिए, सिर्फ निकिता। और मैं उसे पाकर ही रहूंगा, सिर्फ निकिता, सिर्फ निकिता। मैं देखती हूँ, पता नहीं कौन आया इतनी रात को। अरे समीर जी, तेरे बेटा आज कैसे माँ की याद आ गई? कितने दिनों बाद देख रही हूँ तुझे। मैं शहर से बाहर गया था माँ, कुछ काम के सिलसिले में। हाय नेहा भाभी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, आओ बैठो, खाना खाओ। नहीं, मैं खा के आया हूँ। माँ, मैंने अपनी जिंदगी का एक बहुत अहम फैसला ले लिया है। कैसा अहम फैसला? माँ, मैंने शादी करने का फैसला कर लिया। क्या? नेहा, सुन रही है अपने देवर की बात? और राजीव, देख ले, तेरे भाई ने भी अपना घर बसाने की सोच ली। तो फिर लड़की कौन है, या फिर हमें ही पसंद करनी होगी? नहीं, लड़की तो पसंद कर लिया मैंने। मैं उनके पिता से भी मिल के आया। क्या कहा उन्होंने? हाँ, एकदम हाँ कही होगी, है ना? नहीं माँ, उन्होंने ना कर दिया। क्या ना कह दी? लेकिन क्यों? ऐसी क्या कमी देखी उन्होंने तुझमें? कौन है वो लोग? उनका एड्रेस दे मुझे, मैं जाकर उनसे बात करती हूँ। क्या है लड़की का नाम? कौन है उसके पिता? माँ, उस लड़की का नाम है निकिता और उसके पिता का नाम है कर्नल शर्मा। समीर, ये तू क्या कह रहा है?
कर्नल शर्मा के घर गया था निकिता का हाथ मांगने? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? नहीं माँ, मैंने बहुत सोच समझ कर यह फैसला किया है। मैं वाकई में निकिता के साथ शादी करके अपना घर बसाना चाहता हूँ। माँ, इसे अच्छी तरह से समझा दो कि ये बहुत बड़ी गलती कर रहा है। क्या गलत बात कर रहा है? वैसे भी निकिता के साथ अब तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, फिर तुम्हें एतराज क्यों है? समीर, कुछ रिश्ते टूटकर भी नहीं टूटते। माना निकिता अब तुम्हारे भाई की पत्नी नहीं है, लेकिन कभी थी। समाज के कुछ अपने कायदे कानून होते हैं। रिश्ते में तुम्हारी भाभी थी। भाभी थी माँ, अब नहीं। और वैसे ये समाज के कायदे कानून मुझे मत सिखाइएगा, मुझे इनकी कोई परवाह नहीं है। निकिता सारी जिंदगी वैसे भी अकेली नहीं बैठने वाली है, कभी ना कभी तो वो शादी करेगी, फिर मुझसे क्यों नहीं? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि निकिता तुम्हारे भाई की बीवी थी, जानता हूं, लेकिन अब नहीं है। और वैसे भी मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। और वैसे भी जिस इंसान को आप मेरा भाई बार बार कह रही हैं, उसे मैं भाई अपना मानता ही नहीं, क्योंकि हम दोनों ने एक ही माँ के कोख से जन्म नहीं लिया। लेकिन एक ही बाप का खून तुम दोनों की रगों में दौड़ रहा है। समीर, कान खोल कर सुन ले, निकिता के साथ शादी करने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। नहीं माँ, निकिता मेरे दिलो दिमाग में इस तरह से छा चुकी है कि अब वही मेरा वजूद है। बस कर समीर, बस कर। ऐसी बातें करते शर्म नहीं आ रही, मगर मुझे तुझे अपना बेटा कहते हुए शर्म आ रही है। देख, इस तरह की बेहुदे विचार अपने दिमाग से निकाल दे, तेरे लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं, निकल जाइए। तुझे अपने सगे बेटे को बार बार अपने घर से निकालने का बहुत शौक है ना? आया था यह सोचकर कि मेरी माँ निकिता के लिए उसके बाप से उसका हाथ मांगेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो आज से ये माँ का रिश्ता भी नहीं रहा गायत्री देवी। माँ ना कहकर माँ के नाम से पुकार रहा है, तो रिश्ते तो अपने आप ही खत्म कर दिए तूने। आज गायत्री देवी तुझे हुक्म देती है, निकल जा इस घर से, और आज के बाद कभी दोबारा इस घर में कदम मत रखना। निकल जाओ, निकल जाओ। और दाल लीजिए ना। अरे नहीं बेटा, बस बहुत खा लिया मैंने। सच्ची जादू है तेरे हाथ में, है ना दीपक? खाना बहुत स्वाद बना। अरे खुशाली नहीं, कंबक के हाथ में स्वाद नहीं, उसके हाथ का खाना खाते खाते तो हाल ही बुरा हो जाता है। वैसे भी आज तो खाना स्वाद लगेगा ही ना, आज पूरी फैमिली जो इकट्ठे खा रही है। हाँ चाची, हमारी फैमिली कितनी परफेक्ट है ना। अरे मरी, अब भी मुझे चाची बोलेगी क्या? अरे माँ बोल, सास बहू का रिश्ता है हमारा। जी मम्मी जी, ये मैं कैसे भूल सकती हूँ। बेटा दीपक, मुझे लगता है कि अब ये चौथी कुर्सी की जरूरत नहीं है। हाँ, मुझे लगा मम्मी जी ठीक कह रही हैं, उस कुर्सी की अब। देखा रीमा, मेरा बेटा तेरी कितनी बात मानता है। तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर। माँ जी सो गई? नहीं, समीर की बातों को लेकर परेशान है, पता नहीं क्यों आ जाता है यहां बार बार उन्हें परेशान करने के लिए। वो मुझे लगता है कि माँ जी और आप समीर पर ज्यादती कर रहे थे। कहना क्या चाहती हो तुम? अब निकिता को एक ना एक दिन तो शादी करनी ही है, फिर समीर के साथ क्यों नहीं? समीर में क्या बुराई है? जस्ट शट अप, जो मन में कह देती हो। अच्छा,
तब ये बात मेरी समझ में आई। बुराई समीर में नहीं है, दरअसल बात ये है कि आप ही निकिता को बुला नहीं पाए। बकवास मत करो तुम। अब सच्चाई भी बकवास लगने लगी? तुम समीर की सच्चाई नहीं जानती हो। अच्छा, तो फिर आप ही बता दीजिए कि उसकी सच्चाई क्या है। अगर समीर का बस चले ना, तो वो मुझे जान से मार दे। ये तुम्हारी मांग में सिंदूर भरा हुआ ना, अगर उसका बस चले तो ये परमानेंटली मिटा देगा वो। अच्छा समीर, अपने ही भाई का दुश्मन क्यों राजी? जब मेरी निकिता के साथ शादी होने वाली थी, उससे पहले समीर उसे चाहता था, और फिर मेरी निकिता के साथ शादी हो गई और समीर आपका दुश्मन बन गया, है ना? मैं तो ये कहती हूँ कि आपके जिंदगी में सारे फसाद की जड़ सिर्फ निकिता है। अगर मैं आपकी जगह होती तो निकिता और समीर की शादी करवा दी होती, ताकि सांप भी मर जाता और लाठी भी नहीं टूटती। तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया समीर की तरह। हाँ हाँ, अब आप तो ऐसा ही कहेंगे ना, क्योंकि मैं निकिता और समीर की शादी की बात चुक कर रही हूँ। तुम कुछ भी बके जा रही हो। तुम जानती हो समीर मेरे साथ क्या कर रहा है? समीर मेरे ही ऑफिस में मेरे लिए परेशानी खड़ी कर रहा है। ये बातें मैंने माँ को बिल्कुल नहीं बताई, इसलिए वो घर पे आ गया मुझे परेशान करने के लिए, हमें परेशान करने के लिए। हमें नहीं, सिर्फ आपको, क्योंकि आप निकिता और समीर की शादी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप निकिता को किसी और की बहाव में कैसे देख सकते? हाँ मारिए ना, मारिए मुझे। रुक क्यों गए, मारिए मुझे। निकिता की वजह से अब आप मुझ पर हाथ उठाएंगे, अपनी बीवी पर हाथ उठाएंगे। इस बार हाथ नहीं उठाएगा, लेकिन अगली बार तुमने समीर और निकिता की शादी की बात की तो हाथ जरूर उठ जाएगा। बदल जा